शुक्रवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कसरावत ने डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि वापस लेने और किसानों की बर्बाद हुई फसलों का 100% मुआवजा देने की मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम कसरावत SDM संगप्रिय को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शेरू यादव ने कहा कि केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार किसान विरोधी है। भाजपा की सरकारें पूंजीपतियों की हिमायती सरकारें हैं। इस सरकार में राज्य में किसान और आमजन कोरोना महामारी चलते आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वहीं भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार की महंगाई की मार खेती बाड़ी के सफर से लेकर किचन तक पड़ी है। इन सरकारों के राज्य में आज सोयाबीन, मूंगफली और सरसों का खाने का तेल 150 से 200 रुपये किलो हो गया है। आज सफर की बात करें तो बसों में किराए की भारी वृद्धि हुई है। केंद्र शासन द्वारा पेट्रोल और डीजल गैस की कीमतें लगातार बढ़ने का काम कर रही है। प्रदेश में आज पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर से पार हो गया है। वहीं डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिसमें किसान सहित आम जनता को भारी आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ रहा है। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। को लेकर मैदान में उतरी है तो इसकी लड़ाई कहाँ तक जाएगी और किस तरीके से आम लोगों को राहत दिलाने के लिए आपकी लड़ाई जारी रहेगी? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से गरीब किसान और मजदूर की बात की है। वर्तमान में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो शुद्ध रूप से पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपतियों की मदद करती है। किसान के यहाँ जब 3500 रुपये का सोयाबीन निकला, उस समय किसान को 3500 रुपये में बेचना पड़ा, और आज जब पूंजीपतियों के गोडाउन में चले गया तो वही सोयाबीन 9000 रुपये का हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की जब कभी इस प्रदेश में और देश में सरकार रही, गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को हमेशा उनको महंगाई की इतनी मार पड़ी है आज कि हर आदमी परेशान है। कोरोना काल में एक तरफ लॉकडाउन के कारण मजदूर बेरोजगार हो गया, बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद होने के कारण बहुत सारे युवा बेरोजगार हुए। ऐसी स्थिति में जब कच्चे तेल का भाव कम होते जा रहा है, ऐसे में पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ाना ये भारतीय जनता पार्टी की पूंजीपतियों को और पैसे वाले बनाने की साजिश जो इस देश में चल रही है, उसको आम जनता को समझने की आवश्यकता है। और इसी का विरोध करने के लिए आज ब्लॉक कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के आह्वान पर, हमारे युवा नेता विधायक सचिन यादव जी के आह्वान पर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने अनुभागीय अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित किया है और ये बढ़ी हुई कीमतें कम करने के लिए निवेदन किया है। बिजली बिलों की भी बहुत शिकायत आ रही है कि बहुत अत्यधिक बिल आ रहे हैं, दुकानें बंद है लॉकडाउन के बाद में, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, उस बारे में भी आपने? बिजली अधिकारियों की मनमानी और इस प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी की अनदेखी के कारण आज बिजली के उपभोक्ता और आम आदमी बिजली के बिल को लेकर परेशान हैं। जिनको 100 रुपये में कांग्रेस पार्टी बिजली दे रही थी, आज उनको भी 1000 से 1500 रुपये के बिजली बिल दिए जा रहे हैं। आम उपभोक्ता और गरीब परेशान हैं और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में है और कांग्रेस हमेशा इनका विरोध करती रहेगी। द्वारा पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ाने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश में आज पेट्रोल 105 रुपए प्रति लीटर से ऊपर जा रहा है। डीजल के भाव भी 100 रुपए के आसपास करीब बढ़ोतरी हो रही है, जिससे किसानों और आम जनता पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा है। बढ़ोतरी ऐसे समय में की गई है। प्रदेश की जनता, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मदद की उम्मीद लगाए रखी थी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कसरा द्वारा पेट्रोल एवं डीजल की मूल्य वृद्धि की घोर निंदा करती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।